नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। बात करेंगे आज 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार की। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो शाम को 3:35 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। श्लेषा नक्षत्र शाम को 7:30 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शोभन योग विश्चिकरण है, मणिचकरण है। आज अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो दिन में 11:50 से लेकर के 12:35 तक का रहेगा और वहीं राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर में 12 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, आपको जिस काम से लंबे समय तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक काम को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और जो राहु काल होता है इसमें कोई भी नया कार्य प्रारंभ कभी नहीं करना चाहिए। बात करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन आज के दिन आपके पूर्व से सोचे हुए सभी काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व से आपने कोई योजना बनाई है वो योजना सफल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज सभी मेष राशि के जातक अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, घर में बेवजह की लड़ाई झगड़े ना हो इसका ध्यान देंगे। जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो आज प्रातःकाल सफेद मिठाई का थोड़ा सा दान कर दे, दिन उनका बढ़िया हो जाए। वृषभ राशि। वृषभ के लिए आज का दिन अच्छा है, धन प्रदायक है, वाणी उनकी प्रभावशाली होगी, ये बहुत अच्छी चीज है। वृषभ राशि के सभी जातकों को मैं एक चीज के लिए कहना चाहूंगा कि आज आप अपने माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, यहाँ चीजें अच्छी नहीं दिखाई दे रही, और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा, सर्दी जुकाम से बचाव करिएगा। वृषभ राशि के सभी जातक आज सफेद रंग का इस्तेमाल करेंगे, दिन बढ़िया हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है, पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि हो रही, यहाँ आपका दिन आपके पक्ष में आ रहा है। और मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए अगर हम ये देखें कि दिन का दूसरा पहर कैसा जा रहा है, तो दूसरे पहर में चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाओं से बचाव करिएगा, गाड़ी वाहन सावधानी से चलाइएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के सभी जातक आज हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, दिन बढ़िया होगा। कर्क राशि। धन आपके प्रबल योग कर्क राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन कर्क राशि के सभी जातकों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मौसम परिवर्तित हो रहा है, मौसम परिवर्तित होने के साथ में स्वास्थ्य में समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। आज कर्क राशि के सभी जातक थोड़ी सी प्रातःकाल अगर चीनी का दान कर दें तो दिन बढ़िया हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के पूर्व से जो भी समस्याएं चली आ रही थी, घर के खर्चे वर्ग के वाद विवाद, उनसे आज उनको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सिंह राशि के सभी जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान देना है, वैचारिक मतभेद की संभावनाएं वहां दिख रही हैं, इसलिए सिंह राशि के सभी जातक आज भगवान शिव को जल अर्पित करें प्रातःकाल, दिन उनका बेहतर रहेगा। कन्या राशि। व्यर्थ के खर्चों से, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचाव करना है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, आपके शत्रु और विरोधी आज शांत हो जाएंगे, जो भी आपके शत्रु विरोधी है वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, आपको प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्या राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें, दिन उनका बेहतर रहेगा। तुला राशि। आय के एक से ज्यादा स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही, यहाँ आपको सचेत हो जाना चाहिए। शुक्रवार का दिन गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें, जितने भी तुला राशि के जातक है, दिन उनका बेहतर बन जाएगा। वृश्चिक राशि। कार्य क्षेत्र में आपकी जबरदस्त उन्नति दिखाई दे रही है, आपने कोई नई नौकरी या कोई अपने मन मुताबिक ट्रांसफर अगर आप चाह रहे थे तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि के सभी जातकों को आज अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, यहाँ समस्याएं दिख रही हैं। वृश्चिक राशि के सभी जातक आज भगवान गणेश को अगर लड्डू अर्पित कर दें तो उनका दिन काफी हद तक बेहतर रहेगा। धनुराशि। धनुराशि के लिए पूर्व से चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य उनका बेहतर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन धनुराशि के सभी जातकों को पिताजी के स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी है। धनुराशि के सभी जातक आज नारंगी रंग का इस्तेमाल करेंगे, दिन उनका बेहतर बना रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के लिए एक चीज बहुत अच्छी है कि आकस्मिक धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन जितने भी मकर राशि के जातक है उनको वाहन आज बहुत सावधानी से चलाना है, वाहन चलाने में जल्दबाजी नहीं करनी वरना मुसीबतें बढ़ जाएंगे।
इसलिए मकर राशि के सभी जातक आज नहाने के जल में दो कुछ बूंदे गाय के दूध की, अगर गाय का दूध उपलब्ध नहीं तो थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, उससे स्नान करिएगा, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ के दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तनाव चला रहा था पहले से तो वो शांत होगा, खत्म होगा, और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां अगर कोई मतभेद हो गया तो वो मतभेद दूर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के सभी जातक आज प्रातः काल गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें, जितना हो सके परफ्यूम इत्यादि का उपयोग करें ताकि शुक्र आपका बली हो और आज का दिन आपका और शानदार हो जाए। और अंतिम राशि अगर मीन की बात कर लें तो मीन राशि की अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी समस्या चली आ रही थी तो वहां पर राहत मिलती हुई मीन वालों को आज दिखाई दे रही है, लेकिन जितने भी मीन राशि के जातक है व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से आज बचेंगे। जितने भी मीन राशि के जातक है वो प्रातः काल थोड़ी सी सफेद मिठाई का अगर दान कर दे किसी मंदिर में किसी निर्धन व्यक्ति को तो दिन बेहतर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का दिन कैसा जाने वाला है, इसकी चर्चा हमने आपसे की। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।